हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डिस्कस करेंगे आईएल ग्रेड के बारे में। तो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर कमेंट करो। तो आप देख सकते हो TMW40 का विस्कोसिटी ग्रेड का मतलब क्या है। तो आपको इसको जानकार होने के लिए आपको विस्कोसिटी बारे में पता होना चाहिए। विस्कोसिटी का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, तो बहाव को रोकना है। तो ये विस्कोसिटी सभी बाइक इंजन ऑयल डब्बों पे ऐसे ही मेंशन होता है। इसका मतलब सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ये लोग डिसाइड करता है तो कितने सीसी में कौन सी ग्रेड ऑयल को यूज़ करना है, तो उसके बारे में वो जानकारी देता है। तो ग्रेड में पहले मोनोग्रेड और दूसरा मल्टीग्रेड आता था। तो पहले ज़माने में मोनोग्रेड को यूज़ करता था। मोनोग्रेड का मतलब इसमें आप देख रहे हो 10W, पहले 5W, 10W, 20W अलग से आता था और इसमें 30, 40 और 50 भी अलग आता था। 10W का मतलब आपका इसका इंजन ऑयल थिन होता है और 40 का मतलब इसका थिक होता है। तो पहले ज़माने में 10W यूज़ करते तो आपको विंटर सीजन में वो फ्लो ज़्यादा होता था और समर सीजन में ये पतला होने के कारण तो बाइक इंजन का हीट होने पे इसको ड्राई होता था। तो अभी 40 का है तो आपको इसको समर में यूज़ करता था और विंटर में इसका फ्लो कमी होता था, इसलिए आप इसको मोनोग्रेड को बंद किया है। अभी मल्टीग्रेड यूज़ कर रहा है। मल्टीग्रेड का मतलब 10W40W का मतलब विंटर सीजन। तो आपका बाइक में कौन सी ग्रेड का ऑयल यूज़ करना है तो आपको मालूम नहीं है तो बाइक यूज़र मैनुअल में उसके बारे में मेंशन किया है, तो वहाँ जाके आप उसको देख सकते हो। तो मेरे अपाचे 160 RTR में 10W30 है। तो बाइक इंजन ऑयल का अपग्रेड कर रहा हूँ 10W40। तो आपको हमेशा एक को ध्यान में रखना है, ये W का पीछे का नंबर को चेंज नहीं करना है। तो आपका यूज़र मैनुअल कितना मेंशन है उतना ही डालना है। तो मेरे यूज़र मैनुअल में 10W है तो इसको सेम ही रखा हूँ और उसका आगे का नंबर 30 है उसको मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको अपग्रेड कर सकते हो। ये W का पीछे का नंबर को आपको अपग्रेड नहीं करना है ताकि इंजन में प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसलिए आपको W का पीछे नंबर को अपग्रेड नहीं करना है। आप 150cc से लेकर 300cc तक आपको 10W40 या 20W40 और 20W50 का यूज़ कर सकते हो। अब वो 300cc से आपको 10W50 या 15W50 को यूज़ कर सकते हो। मेरे को कितना जानकारी था मैंने इसमें बताया आपको। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक और शेयर कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे।